Namaskar and afternoon. Good afternoon. You are watching PME Vidya channel and NCERT's official YouTube channel. मैं हूँ रेणु भट्ट आप सभी के साथ. और डियर व्यूवर्स, हम आपको बता दें कि हम किस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं. हम 10th क्लास के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं. जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी और इसका पार्ट 4 आज आप पढ़ेंगे. और हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एक्सपर्ट आप हैं मिस गौरी रॉय. आप PGT हैं फिजिक्स DMS मैसूरू NCERT से. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू रेणु जी और मेरे दर्शकों को एंड माय डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. श्योर. और जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स हमें देख रहे हैं, अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में आती है तो आप अपनी क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट से शेयर करना ना भूलें. आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. पहले आपको बता दूं हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559. और आप हमें ईमेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in. ये ईमेल एड्रेस इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है. और इस वक्त अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर जुड़े हैं तो लाइव चैट सेक्शन में जाकर वहां पर कमेंट छोड़ सकते हैं. और ये सारे माध्यम रहे जिससे आप हमारे एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं और हमारी एक्सपर्ट विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. और आप अपने सवाल हम तक जरूर पहुँचाएं. मैं फटाफट आपको बता दूँ प्रोग्राम्स हाईलाइट जो आप दिन भर PME विद्या चैनल पर देख सकते हैं. 2:30 बजे का समय रहेगा संस्कृत के 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए. और आज का हमारा शीर्षक है व्यंजनाद शब्द रूप. और 3 बजे हम सोशल साइंस के 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक लाएंगे व्हाट डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी. और 3:30 बजे 9th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए हम लाएंगे टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 2. 4 बजे का समय रहेगा हमारे स्पेशल प्रोग्राम वेबिनार का जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक ICT टूल. और 5 बजे आप ना भूलें देखना और हमसे जुड़ना सहयोग सेशन में जहां पर हम बच्चों के मेंटल वेलबींग की बात करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो बहुत क्रूशियल है और इस समय पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बात करेंगे ओवरथिंकिंग इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ. इस टॉपिक पे बात करेंगे. आप हमसे जुड़ सकते हैं इन तमाम प्रोग्राम्स में. और मैम, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 आज हम इस पर बात करने वाले हैं. व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट. जी हाँ, ये अभी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 आ गया है. मतलब हम लोग इसके पहले हम लोगों ने 3 सेशंस में जो डिस्कशन किया है उसका शॉर्ट में अगर हम देखें तो हमने जस्ट जाना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी ऑल अबाउट, हाउ डू वी गेट इलेक्ट्रिक करंट, एंड वी हैव लर्नड मेनी थिंग्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. लाइक वी हैव लर्नड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड this electricity flowing in the conductors and why do conductors are good carriers of electricity, and we have learned Ohm's law, we have learned about resistances. So many things we have already learned. So if you try to see what all things we have learned, I can summarize it as like what constitutes electric current, how does electric current flow in a circuit, what is electric potential, what are the units of electric current, and what is Ohm's law that we studied in our last class. And we learned that how if there are many resistances in series and parallel, then what is the effective resistance of those? अब हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? ये सब हम पढ़ते हैं, फाइनली इनका काम आता है कहीं ना कहीं डेली लाइफ में उसका एप्लीकेशन. और जब जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उसको हमारे लाइफ से रिलेट करना और तभी इंटरेस्टिंग भी होता है और तभी वो हमारे काम आता है. तो हमने जो भी पढ़ा है अभी तक उसको हम आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज बच्चे ये जानेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिकली कहाँ हम देखते हैं, कहाँ ये सब आती है चीजें. तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो इन टुडे सेशन विल डिस्कस अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज हीट. उसमें हम एक फॉर्मूला देखेंगे और उसमें एक और लॉ पढ़ेंगे जो एक छोटा सा लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. And we look into the practical applications of heating effects of electric current. Right. So now see, these are some pictures of gadgets. So what is common about all these? Very simple question. What is common about all these? Ma'am, सारे electrical products हैं और सारे घर में use होते हैं. ये सारे हम use करते हैं घर में and they all run on electricity. Now see, Renu, you are and viewers, children, if you just look around yourself, you'll hardly find anything which is not using electricity
टू रन, इजंट इट, हमारे आसपास में टीवी, फ्रिज, बल्ब, और उसके बिना तो हमारी जिंदगी जैसे थम जाएगी, कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दिखाए हुए हैं, आप एक चीज यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि देर आर सम गैजेट्स विच एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस हीट ओनली, राइट, लाइक गीजर, आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, हमारा रूम हीटर, है ना। सम अदर गैजेट्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे फैन है, एसी है, वो हीट नहीं प्रोड्यूस करते, रादर एयर कंडीशनर, फ्रिज, दे प्रोड्यूस कूलिंग, बट वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू गेट द कूलिंग, राइट। एंड देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक दीज, लाइक गीजर, केटल एंड आयरन एंड रूम हीटर, फ्रॉम दोज वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड डायरेक्टली वी आर गेटिंग द हीट। नाउ आई हैव पुट इट इनटू टू कैटेगरीज, बिकॉज व्हाट वी वांट टू लर्न नाउ इज दैट ये this electricity whatever is coming in our house, how do we calculate that, ki kitni energy aa rahi hai, hum kitna kharcha kar rahe, are we able to measure that? So that will be our actual motive. So to reach that, we'll learn something more and finally we'll reach to it. Now another clipping which I have here, another slide, you can see there are three pictures of iron, electric iron. Every household has got this electric iron. Now you see, I have circled something in red here, 750. That same iron, here it is written, in another slide it is written 600. And in the down one, although I forgot, I didn't circle it, it is 1000. Okay. Okay. You see, it is the same iron, and what is written watts, 750 watts, 600 watts, 1000 watts. Now if I say, what is this watt? Okay. So it is some specification of that gadget or that electrical appliance. Now this electrical appliance will dissipate this much of energy, or it is this much powerful. This much power it will dissipate, or this much heat it will give. That is, it gives an idea about that. Iska matlab jo 1000 watt wala hai, it can give the 1000 watt is the specification of that electrical gadget, and it can give that much of power output. Okay, so is that mean ki ye itna power dega, ya iska matlab hai ki wo itna power lega? Ji haan, ye apne bilkul sahi question yahan pucha hai, sahi jagah pe. Ye 1000 watts ki hum baat kar rahe hain, to that particular electrical, exactly, wo uski power utni lega, wo wahi aayega bahar. That is the thing we are going to learn. Okay. How much we are supplying, and that we are getting in terms of heat, है ना? हम current की form में दे रहे हैं, हमको output में क्या मिल रहा है? कहीं heating मिल रहा है, कहीं cooling मिल रहा है, कहीं motion मिल रहा है. तो we should be able to calculate that कि कितना energy आ रहा है ना? So these are the specifications. हम bulb खरीदते हैं, that time also we see ना 100 watts का bulb या 50, 40 watts, 60 watts. So what is this wattage? This wattage is that specification, वो कितना power consume करेगा, या वो कितना power, जब हम जो हमें चाहिए, हम अगर heat चाहिए तो हम in terms of output बात करेंगे, है ना? हम consumption के ऊपर बात करते हैं, जैसे grinder, जैसे mixer. तो mixer you have 650 watt, 750 watt, 1000 watt, 12000 watt. So what do you understand from this? A general people, what they'll understand? कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा हम इसपे पावर, ज्यादा लोड डाल सकते हैं, है ना? दैट मींस इट इज मोर पावरफुल, इट विल गिव मोर पावर आउटपुट, ओनली इट विल आल्सो कंज्यूम दैट मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो दिस इज वन मोर स्पेसिफिकेशन विच वी यूजुअली सी इन द ऑन द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ऑन द बॉक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. यू सी समथिंग विल बी रिटन लाइक दिस, वॉटेज 1000 वॉट्स. ओके, दिस इज वॉट विच यू कुड नॉट सी इन द प्रीवियस स्लाइड. And then something more is written, voltage 230 volt 50 hertz. That means you have to connect this appliance across an alternating current which has got a frequency of 50 hertz, of course, and 230 volts, which is the voltage which we get in our household. हमारे घर में 230 volts की supply आती है, और इसकी voltage जो है वो 1000 volts है. तो आज हम यही देखेंगे कि ये है क्या actually. Children will know that, and it will, they'll find it very interesting. Now see, this is another one. हम लोग बहुत, this is in every house pays an electric bill. घर हो, दुकान हो, factory हो, everywhere we pay the electric bill.
Now, do we know that how are we paying this electric bill? How are we calculating? We just take the money and we deposit it. 798 rupees. ये मेरे घर का electric bill है. तो अब ये इसमें किस basis पे आता है? I have circled it. You see, there is something written. Energy charges, okay, till 30 units, it is 3 rupees 95 paisa. Then next 66 units has charged 5 rupees 45 paisa. My whole consumption was 158 to 62. That is 96 units I have consumed in the month. Okay. So 96 units. Now what is this units? ये units के base पे हम पैसा देते हैं. यूनिट्स के बेस पे पहले 30 यूनिट्स को 3 रुपीज 95 पैसा पर यूनिट है मैसूर में, और 30 यूनिट्स के बाद नेक्स्ट 90 यूनिट्स तक है आपका 5 रुपीज 45 पैसा. ठीक है, ये एक यूनिट कितना होता है? एक यूनिट, एक अप्लायंस, अगर हम 1000 वॉट का एक अप्लायंस कितनी देर तक चलाएंगे कि वो एक यूनिट होगा, सो दैट ऑल्सो वी विल कवर. सो आई जस्ट गेव एन आइडिया व्हाट ऑल थिंग्स चिल्ड्रन विल लर्न इन दिस सेशन. Now, what is this heating effect actually? Now, what is happening? We are using a DC source or a battery or something to run the circuit or the electrical gadget. Like suppose I'm using a battery to run the circuit, or the alternating current is being used to run the circuit. Then in that case, what is happening? Here, the chemical energy of the cell is getting converted to electrical energy. इसका मतलब जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है. नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट देयर कैन ओनली बी अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. सो व्हेन देयर इज अ केमिकल एनर्जी इन द सेल, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर यूजिंग टू मेक सम अप्लायंस रन और वर्क. ओके, सो दिस इज वॉट दैट मीन्स अ कन्वर्जन इज फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल. सो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में हमें मिल रही है. नाउ इफ दैट नाउ दैट हाउ वी आर यूजिंग, आइदर वी आर यूजिंग इट टू हीट समथिंग, और वी आर यूजिंग टू रन अ मोटर, और वी आर यूजिंग इट टू कूल समथिंग. सो वी आर दिस एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी, वॉट एवर वी आर गेटिंग इन द आउटपुट. सो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड लाइक दैट. एंड when it is there only heating, when only heating is there, see, we are talking in terms of heating first, because see, electricity will, use of electricity has got so many uses are there. I am taking only heating because we will calculate with heating, then we can apply it everywhere. Okay. So if it is a purely resistive circuit, then what happens, all the energy will come in across the resistor entirely in form of heat. Because in last classes we have learned what is a resistance, what happens when the current flows through resistance, then all the energy, that chemical energy, will come across those resistance in terms of heat. So that is the heating effect of electric current, we call it. Now, how do we calculate? How do we talk of energy and power in the electrical circuit? So for that we have to relate what all things we know in the electrical circuit. That is, we know about how much current is flowing. We know how much is the resistance. We know how much is the potential difference. हमने कितने voltage की battery लगाई है, उसमें कितना current जा रहा है, और जो load है हमारा resistance. जैसे load कुछ भी हो सकता है across which we are taking the energy out, right? जैसे कि bulb है, या heater है, या grinder है. तो जो भी है, that is the load or that is the resistance. Okay? Right. Now we are talking of purely resistive. That means we are talking that whatever electrical energy is, chemical energy is getting converted to electrical, that is completely coming out as heat. So now I am talking only in terms of heat, no other kind of energy. Okay. Mm-hmm. Now the potential difference is V. Then if that much current flows for a time t, because how much time that current is flowing, that will also matter, because how much current is there in the circuit. There it cannot be unlimited because battery, it has got chemical, so it can only do the work for a certain time. No, once the chemical gets over, then we cannot, there will be no current in the circuit. So suppose for time t it is going on, and there is a charge q. So when there is a movement, electrical energy, when electricity is moving, there is a movement of charge. Agar ye sab hai to hamara jo work done is given as voltage times charge, v times q is the formula. So okay. This is the formula for work. Yes.
सो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी, अगर कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो चार्ज को वन एंड टू अदर एंड मूव करने के लिए द वर्क विच इज डन इज गिवन बाय वी टाइम्स क्यू. नाउ इफ इट इज वी टाइम्स क्यू देन हाउ डू वी कैलकुलेट द एनर्जी. नाउ इफ दैट मीन्स वॉट इतना वी टाइम्स क्यू जो वर्क डन है, और वर्क डन मतलब वर्क इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो वर्क डन है इट इज इन टाइम टी, सो दैट जो सोर्स है वो इतना सप्लाई करेगा. जैसे आपने मुझे पूछा कि ये सोर्स देता है या हम लोग क्या बोले पावर ले रहा है, हमको दे रहा है, एक्चुअली वहां से लेके आउटपुट में दे रहा है. तो सोर्स इतना सप्लाई करता है, द सोर्स वुड सप्लाई वी टाइम्स क्यू, वी टाइम्स क्यू एंड इन टाइम टी. सो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पावर बिकॉज पावर इज द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. मतलब कितने फास्ट एनर्जी एक सोर्स या एक डिवाइस कितनी फास्ट एक एनर्जी को दे रही है, दैट विल एट द रेट एट विच. अगर सेम एनर्जी ज्यादा टाइम में दिया तो कम पावरफुल होता है ना, सेम एनर्जी कम टाइम में दिया तो ज्यादा पावर होता है. सो पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड. सो वी नो दैट पावर एनर्जी इज वी टाइम्स क्यू बिकॉज वर्क डन इज एनर्जी, वर्क इज एनर्जी हियर इक्विवेलेंट एंड डिवाइडेड बाय द टाइम टी, एंड this is the power and the energy which is supplied to the circuit by the source that will be given by power into time. So power into time that becomes v times I times t. Okay. Ma'am, what's that I here means? I is the current. Okay. In the previous slide it was there. Yeah. I is the current. V is the voltage, and t is the time for which the current has flown in the circuit. So this is the formula which is giving us the energy which is supplied to the supply. Now the source is supplying this energy. That means this energy will also come across the resistor, right? Source ne ye energy di, energy kahan jayegi, kahan humko iska output milega? Humne jo device lagayi hai, humne ek bulb lagaya hai, humne ek resistance jo bhi circuit mein dala hai. So this energy will come across the resistor. Okay, so VIT, very simple formula. So the energy supplied is VIT. एक physics का बड़ा आसान सा formula है VIT. So if there is a steady current I, and amount of heat which is produced in time t will be given by VIT. मतलब because the जो energy which is supplied, that is in terms of we can't tell in terms of any other thing. We can tell in terms of voltage and current only because those are the things which are measurable to us. Okay, so ye heat hai, it will also come in terms of the voltage. So we can just by using Ohm's law, we can relate it to the resistance which we have applied in the circuit, because we know that by Ohm's law V is equal to IR. So if you put that, then we'll get the heat which is produced. So we have two things here. One is the source supplying the energy. Another one is the heat which is in the output, which we are getting from that source by using. So that is I square R T, and this R is nothing but the resistance. Means हम किसके across ले रहे हैं? जैसे bulb है, तो वो एक resistance हुआ, ठीक है? तो हमें पता चल गया कि bulb के across इतनी heat निकलेगी. I square, how much energy is there? How much is the resistance of the bulb? And how for how much time the current is flowing? So multiply these, then you will get the value of the heat which is produced. Okay, and this is called as Joule's law of heating. Okay, fine. So this is just a just to tell the students that there is something called as Joule's law of heating, which is this. So by this law we are able to tell that, or this law tells us that first, what is that heat produced is directly proportional to the square of the current for a given value of resistance, and it is proportional to the resistance. मतलब जितनी बड़ी resistance है उतना ज़्यादा heat will be produced in the circuit, and for more time it is directly proportional to time. So three factors are there: current, resistance and time. These three will determine that how much heat is being produced in the circuit. So that is about, so we are able to measure the heat produced in the circuit. That means we can tell that how much energy we have given in and how we, what we should get out of it. Okay. So what are the useful applications? The applications are everywhere. Electric
kettle, toaster, iron, heater, all these are based on this Joule's law of heating. And this electric heating, I will take one example, that is of the electric bulb, which is the most common one. And you see, electric bulb actually, what is happening is that nowadays this bulb is becoming little bit irrelevant, because aajkal ke generation hai na, ye wala bulb shayad bahut kam dekhte hain, hai na? Yes ma'am, kyunki LEDs इतने यूज में आ गए हैं और कहा भी जाता है कि उनको ज्यादा यूज करना चाहिए बिकॉज़ वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। रह गया अभी फिजिक्स में कि बल्ब ऐसे ही होते थे एंड दिस वी नीड फॉर लर्निंग द हीटिंग ओके बिकॉज़ लेट मी टेल चिल्ड्रन स्टूडेंट्स वेरी क्लियरली दैट दिस एलईडी बल्ब्स कंप्लीटली वर्क ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंसिपल दे हैव एन इलेक्ट्रॉनिक circuit and they are made up of a different kind of thing. This is the filament bulb, okay? And this filament bulb has got a filament, if you see inside, there's a filament, and that filament has got a very high resistance. So as we have seen that the heat produces proportional to current, it will also proportional to, it is also proportional to resistance. So higher the resistance, the more is the heat produced. And when there is a lot of heat produced, that is also emitting light. Okay, so there we are using this electrical energy to get light as well as heat. Heat is also coming with that. So, but this filament should be made of such material that it should not melt again. So it is made of alloys and it has got a high melting point. And this metal called as tungsten is used. Children must be knowing and they must have heard about and studied about tungsten in lower classes also. It is around 3380 degrees Celsius उसका melting point. तो melt region. Still बोलते हैं ना bulb fuse हो गया है तब वो melt हो जाता है तब actually it breaks, melts and breaks. So this is about that how we are using heating in the bulb filament bulb. And one more place where see there are numerous I'll say infinite uses. These uses we are taking to learn certain things. Now see how we are using this heating. This is the picture of fuse. Okay, every electrical circuit will have a fuse, no? And we all know about fuse. जब कुछ voltage fluctuation होती है, short circuit होती है, तो fuse उड़ जाते हैं. हम कहते हैं fuse उड़ गया. तो fuse उड़ने से क्या करते हैं? हम fuse को निकालते हैं और एक और तार लगा देते हैं और fuse को लगाते हैं. What is that wire? What is that wire actually? So we don't put any wire. There are certain wires called as fuse wire. तो फ्यूज वायर हम लगाते हैं नाउ व्हाट हैपेंस हाउ डज दैट फ्यूज वायर वर्क दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग एफर्ट नाउ दिस फ्यूज दे हैव गॉट ऑल आप देखोगे फ्यूज का स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है 16 एम्पियर व 415 वोल्ट्स या अगर आप देखोगे तो या जैसे कि 630 मिली एम्पियर 230 वोल्ट्स ऑटोमोटिव फ्यूज है 2 एम्पियर 36 वोल्ट डीसी और आजकल जो फ्यूज देखते हैं वो ऐसे वाले होते हैं जो रेसिडुअल करंट डिवाइसेस जिसको हम लोग एमसीडी बोलते हैं आजकल बच्चे वो फ्यूज भी नहीं देखते जो पिक्चर में अभी दिखा रही थी आपको इसके एक्जेक्टली है ना सो दैट पिक्चर आल्सो चिल्ड्रन आर नॉट सीइंग नाउडेज दिस वन सो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट बट टू लर्न सर्टेन थिंग्स वी नीड टू गो बैक टू दिस एंड लर्न इट एंड कम बैक अगेन सो दिस फ्यूज वायर आल्सो व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव हीटिंग देन दिस फ्यूज वायर विल मेल्ट Okay. So how much heat can flow through that fuse wire we can always calculate okay and we can just protect our electrical gadgets using this fuses so this Joule's law of heating is only applied and when you this fuse it will protect the circuit and the appliance by stopping the flow of any unduly high electric current in the circuit so what happens if there's a high current H is equal to I square RT so I will increase So H will increase. So that is what is fuse. And there are ratings of the fuse. So fuse ki bahut sari ratings hoti hai. Jaise ki hum kis gadget mein fuse use kar rahe hain. Ghar ka main fuse hai ya ek chote se gadget ka fuse hai ya fridge ka hai ya kahan ka hai kaun se room mein hai wahan kitni electricity use ho rahi hai. It all depends on that and according to that fuse is made. Fuse wire is made. But now we are again using, I like to remind children, we are again using circuit breakers which are working on a slightly different kind of thing that is they are electronic devices. Okay. So, abhi humne calculate kar liya hai, already we have learned how to calculate electric power. Just what we have to do is that
power is I square R, because power is the rate of doing work we had found out. So power is the rate of doing work. So if you divide the energy equation by time, multiplied by time, power, यहाँ पे हमारे टाइम का फैक्टर नहीं आएगा. सो पी इज इक्वल टू वी टाइम्स आई हो जाता है. सो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. सो आई स्क्वायर आर इज द पावर. एंड दिस आई स्क्वायर आर विच वी कॉल एज व्हाट द यूनिट. ओके, आई स्क्वायर आर मतलब इसको टोटल, इसका जो यूनिट है आई स्क्वायर मतलब आई तो होगा एम्पियर में. सो एम्पियर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस इज इन ओम्स. सो एम्पियर स्क्वायर ओम्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉट, डब्ल्यू ए टी टी. So what is the power which is consumed by the device if 1 ampere of current is flowing in the circuit across a potential difference of 1 volt? So 1 watt is equal to 1 volt times 1 ampere. So agar aap ek appliance mein 1 volt, if it is working in that this condition, then the power is 1 watt. So ye watt is not watt. Watt is actually V times I, that is power times current. But this watt is very small because मैं 1 volt की बात आ रही है. So usually we don't use such small in the household or in any places. So this is a very small unit with which we can work. So what we do, instead of using watt, we use kilowatts. Okay. Okay. Kilowatts. Kilowatts मतलब 1000 watts. 1 kilowatt is 1000 watts. So we use in this multiple terms, that is 1000 watts. हम लोग use करते हैं. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन इट कम्स टू मेजरिंग, इट इज पावर इनटू टाइम. अब यहाँ पे सब ध्यान से सुने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पावर इनटू टाइम. पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स, ओके, द यूनिट इज वॉट्स, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स, ऐसा ही होगा. मैम, हियर लेट मी टेल यू, वी हैव लेफ्ट विद 3 मिनट्स ओनली. या इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी ओवर. आई एम कंक्लूडिंग. So power is in watts and time is in seconds. But both the units are small for us. We use energy in a larger way. So for power we use kilowatts and for time we use hour. Okay. So our unit of electrical energy practically becomes kilowatt hour. Kilowatt hour instead of watt second. It is kilowatt. आवर. इस किलो वॉट आवर को हम कहते हैं 1 यूनिट. आई थिंक आई हैव कम टू द इलेक्ट्रिक बिल अगेन, है ना? राइट. यूनिट, कितने यूनिट मतलब कितने किलो वॉट आवर. अगर आप एक किलो वॉट के अप्लायंस, मतलब आप अगर 1000 वॉट के एक अप्लायंस को 1 घंटे तक चलाएंगे, तो आप 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं. Okay. I think it is clear. Yes. So this was my main motive of this lesson, that we come to know what is the unit of commercial unit of electrical energy, and this is what we are paying our bill. So आप बच्चे शायद try कर सकते हैं अपने घर में, अपने gadgets जो हैं उनके घर में, उनकी wattage देखें, कितनी देर तक चलाने से कितना energy खर्चा होता है. अब हमारे students भी उसको calculate कर सकते हैं. So that is called as 1 unit of electrical energy. So I just put the pictures of the bill and all. So now we can relate what is what and what is this. Okay. So what do we mean by units? Okay? Exactly. And that is what. That is what I have for today. Yeah. और हम आशा करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जैसे मैम ने कहा कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, तो अब वो ज़रूर ये एक्टिविटी एक बार घर पे करेंगे. एटलीस्ट वो ट्राई कर सकते हैं मैम, ताकि वो सारी यूनिट्स वगैरह कैलकुलेट कर सकें कि किस तरह से हमारे जो घर के अप्लायंसेज हैं वो चल रहे हैं और कितनी बिजली वो इस्तेमाल कर रहे हैं. बिल्कुल, इससे उनके आइडिया, उनको एक आइडिया मिलेगा कि हम कहाँ बिजली, हम कितने बिजली कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ बचा सकते हैं. एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है कि कंज्यूम कहाँ पर कर रहे हैं और कहाँ पर हम बिजली बचा सकते हैं. और बिजली बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैम, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी अच्छी आपने चर्चा की इलेक्ट्रिसिटी पर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, आप सबका धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार. और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें, व्यूवर्स, कि अभी हम रुक रहे हैं और इस सेशन को, हम सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं. एक और सत्र के साथ हम फिर से हाजिर होंगे. आप देखते रहिए पीएमई विद्या चैनल और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. नमस्कार.